ये नीट पीजी पे आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या केस दिया है कि कोई क्रोनिक स्मोकर है, ठीक है, जिसको जो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है, क्लिनिडाइन टैबलेट्स। ये क्या काम करती है? स्मोकिंग डी एडिक्शन करती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पेशेंट स्टॉप्ड कर दे रहा है इस टेकिंग क्लिनिडाइन को लेने से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसके कारण उसको हेडेक हो रहा है। अब ये हेडेक हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो चलिए देखते हैं। क्लिनिडाइन क्या है, इज द सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा टू एड्रेजेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कॉमनली यूज होती है हाइपरटेंशन को मैनेज करने पे, साथ ही ओपोइड विथड्रॉवल एंड स्मोकिंग सेसेशन को। व्हेन यूज्ड फॉर द स्मोकिंग सेसेशन, क्लिनिडाइन हेल्प टू रिड्यूस द विथड्रॉवल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द निकोटीन एडिक्शन, ठीक है, और सजेस्ट द क्रेविंग, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। लेकिन क्या होता है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट होता है इस क्लिनिडाइन का, जो रिवाइंड हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, विच कैन अकर व्हेन द ड्रग इज द अब्रप्टली डिसकंटिन्यूस, अगर कोई करता है तो इससे अल्फा वन रिसेप्टर आर क्या हो जाता है, अपरेगुलेटेड रिवाउंड हाइपरटेंशन इज करेक्टराइज्ड बाय द सडन एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगता है ब्लड प्रेशर, विच कैन कॉज द सिम्टम्स सच एज द हेडेक, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन। तो आई होप कि आपको ये नीट का क्वेश्चन, नीट पेजी का क्वेश्चन जो सिंपली समझ में आया होगा। थैंक यू।